खबर मेरठ से सामने आ रही है, जहां सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए हजारों किसानों ने गुरुवार देर रात ही मेरठ से वाई टोल प्लाजा पर डेरा डाल लिया था। वहीं आज सुबह किसानों ने चाय पकौड़ी का नाश्ता किया, इसके बाद धीरे धीरे गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना होना शुरू हो गए। आपको बता दें कि सिवाय टोल प्लाजा किसानों से गुलजार रहा, टोल प्लाजा के दोनों ओर किसानों का कब्जा रहा और टोल फ्री चला। किसानों के आने का सिलसिला दोपहर तक चलता रहा। वहीं सुबह 5 बजे किसानों के नाश्ते के रूप में चाय पकौड़ी दी गई। मेरठ से सैकड़ों किसान राकेश टिकैत व गौरव टिकैत की मौजूदगी में गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, किसान धरने पर डटे रहेंगे। किसान गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। किसान ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर अपनी मांग को लेकर गाजीपुर तक जाएंगे। धीरे धीरे किसानों का कारवा दिल्ली की ओर बढ़ता चला जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है, सरकार की करनी और कथनी में अंतर आ गया है। यही कारण है कि 7 मार्च से आंदोलनकर्ता किसानों की बात सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। वहीं किसान यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा और मौके पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। मेरठ से अरुण कुमार की रिपोर्ट। ट्रैक्टर रैली लेकर गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं, क्या सरकार को एक मैसेज देना चाह रहे हैं? भाई यार, ट्रैक्टर रैली कोई नई थोड़ा ही है, ये तो रोटेशन है, चल रहा चलता रहेगा। इसमें कोई खास हुआ थोड़ा ही है बात हमारी, ना खास हमारा कोई मकसद है। इफ जय है तो ट्रैक्टर रैली तो निकलेगी। अच्छा, हाँ ट्रैक्टर रैली तो निकलेगी। इफ जय 2-3 दिन में श्यामलीर बागपत की निकलेगी, इधर गाजियाबाद की, हापुड़ की, इधर की निकलेगी, तो ट्रैक्टर रैली तो निकलती रहेगी। देखिए, एक साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, किसान लगातार कह रहे हैं तीन कृषि कानून वापसी नहीं तो बातचीत नहीं, सरकार दबाव में नहीं आ रही क्या? किसान कमजोर नहीं, हम क्या सरकार को, हम भी तो इतने कमज़ोर नहीं है, इस देश का अंदाता इतना कमजोर थोड़ा ही है, बिल्कुल भी हम कमजोर नहीं है। चौधरी नरेश टिकैत, जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन, जिंदाबाद। बातचीत के रास्ते हमेशा खुले, हमारी उस तक कोई वो नहीं है, ना कोई हमारी कोई जीत है, सरकार अपनी जीत छोड़ दे और किसानों से गलती मानने, गलती मानकर और अपनी यह बात मनाओ, नहीं तो जिस तरह का चल रहा कोई हमें कोई वो नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा तीन कृषि कानून तो वापसी लेंगे, बातचीत कर लो। कृषि मंत्री जी अच्छे आदमी हैं, उन्हें बुरा नहीं कहते, वे उन्होंने पिंजरे का तोता बना दिया, उन्हें कोई अधिकार नहीं दे रखा कृषि मंत्री को। हाँ कृषि मंत्री अच्छे हैं, उन्हें अधिकार दो फैसला हो जाएगा। राजनाथ जी जो है उन्हें फैसला, वो अधिकार दो फैसला हो जाएगा, वे तो सिर्फ इतना गए, इस तक फालतू बोलना नहीं आपको, तो यही कर रखी बातचीत। सब अच्छे हैं सरकार में, ऐसे नहीं कोई बुरे आदमी नहीं, उनकी सोच खराब है। मोदी जी और योगी जी, ये अमित शाह और मोदी, इनकी सोच गलत है, इन्होंने किसान दर भटका दिया और भाजपा को भी ये इसके ना भी डूबने को तैयार हो रही। अच्छा, भाजपा को भी बीच हटने का तो सवाल ही नहीं। अजी नहीं, बीच में किस तरह था हटा, मैं कहा लहर भी आ रही है, पहले भी काफी किसान कुछ नहीं, हम तो बचाओ उसका भी करे, बीमारी है बीमारी, अगर सरकार को बीमारी बड़ी दिख रही और कानून छोटे दिख रहे तो कानून की बात ये वापसी लेकर और किसानों को घर भेज दो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।